नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको गर्मी के दिन में अगर आप धूप में जाते हैं तो धूप में जाने के कारण आपकी स्किन में रेडनेस आ जाती है, तो उसको ठीक करने के लिए एक होम्योपैथिक दवा के बारे में जानकारी दूंगा, जिसका उपयोग करने के बाद आपको अगर धूप में जाते हैं तो आपकी स्किन रेडनेस हो जाती है तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। यह होम्योपैथिक की बहुत अच्छी और कारगर दवा है। अब हम जानते हैं इस दवा के यूज करने के फायदे। इस दवा को यूज करने से के बाद यदि आप धूप में जाते हैं तो धूप में जाने के कारण आपकी स्किन में रेडनेस आ जाती है तो और इस दवा का प्रयोग करने से ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगर आप धूप में जाने से आपके सर पर पसीना आता है तो इस दवा का प्रयोग करने से यह प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाती है। अब हम जानते हैं दवा का नाम। तो पहली दवा का नाम है एंटीएम क्रू 30। यूज करने का तरीका, 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम में। और दूसरी दवा का नाम है ग्लोनाइन 30। यूज करने का तरीका, 2 बूंद 3 टाइम। इन दोनों दवा का प्रयोग करके अगर आप धूप में जाने से आपकी स्किन रेडनेस हो जाती है तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। यह दोनों दवा होम्योपैथी की बहुत अच्छी और कारगर दवा है। एक बार प्रयोग करके जरूर देखें। इसके साथ एक क्रीम का भी प्रयोग करना है जिसके नाम है सन्नी सन केयर क्रीम। यूज करने का तरीका, जब भी आप घर से बाहर निकलें तो इस क्रीम को लगा के निकलें, इससे आपका जो रेडनेस होता है वो नहीं होगा। तो इस दोनों दवा और एक क्रीम का प्रयोग करके अगर धूप में निकलने के बाद आपकी स्किन रेडनेस हो जाती है तो उसको ठीक कर सकते हैं। आपको ध्यान देने वाली बात, ज़्यादा नमक का प्रयोग नहीं करना है, ज़्यादा तेल मसाला का प्रयोग नहीं करना है, ज़्यादा नमक का प्रयोग नहीं करना है, ज़्यादा तेल मसाला का प्रयोग नहीं करना है, दूध से बना प्रोडक्ट का प्रयोग नहीं करना है, विटामिन सी से बना खाना नहीं खाना है, जैसे दही हो गया, अचार हो गया, इमली, ये सब चीज़ का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। तो दवा के साथ इन सब बातों का ध्यान रखें तो दवा जल्दी फायदा करेगी और जो ये प्रॉब्लम था ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी, जड़ से ही ठीक हो जाएगी। यह होम्योपैथिक की बहुत अच्छी और कारगर दवा है, तो एक बार प्रयोग करके जरूर देखें। दवा यूज करने से पहले आप नज़दीकी डॉक्टर से सलाह ले लें।